रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कहानियाँ। भारत में भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन श्रवण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर स्नेह बंधन राखी बांधती हैं और भाई आजीवन उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व कब प्रारंभ हुआ, इसकी स्पष्ट तिथि को कोई नहीं जानता, लेकिन इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में भी इन कथाओं का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की कहानियाँ, राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा। रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। असुरों का राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर अजय हो गया। धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वह स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। यह ज्ञात होने पर देवराज इंद्र चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुँच गए। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि दानवीर था, उसने वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो भी मांगेगा उसे प्रदान किया जाएगा। भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में प्रदान कर दी और कहा कि वह 3 पग भूमि नाप ले। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। तीसरे पग के पूर्व ही राजा बलि भांप चुका था कि उसके समक्ष उपस्थित वामन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उनसे 3रा पग अपने शीश पर रखने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इस तरह राजा बलि अपना संपूर्ण राज्य गंवाकर पाताल लोक में रहने को विवश हो गया। पाताल लोक जाने के पूर्व राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। वे बलि की दान पूर्णता देख अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। राजा बलि बोला, भगवान मेरा तो सर्वस्व चला गया है, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे समक्ष रहें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले आए। बैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली तो वह चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर मंत्रणा की और इस समस्या का कोई तोड़ पूछा। नारद मुनि ने उन्हें सुझाया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लें और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग ले। देवी लक्ष्मी गरीब महिला का भेष धरकर पाताल लोक पहुँची और नारद के सुझाए अनुसार राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि बोला, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए। राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। वे 4 माह चतुर्दशी कहलाते हैं और देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठनी एकादशी तक चलते हैं। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है और उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। आइए जानते हैं दूसरी कहानी, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। यह पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया।
उस यज्ञ में शिशुपाल भी उपस्थित हुआ। यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का वध कर लौटते समय सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण की उंगली थोड़ी कट गई और उससे रक्त बह निकला। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी। उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस वस्त्र के एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। दूत क्रीड़ा के समय जब कौरवों ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाते हुए चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज की रक्षा की। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली में अपना पल्लू बांधा था, वह श्रावण मास का दिन था और वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई कहानी आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।